आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो क्वेश्चन इज राइजॉइड्स ऑफ हिपेटिकोसिडा एंड एंथोसेरोटोसिडा आर ऑप्शन वन मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड, ऑप्शन टू यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड, ऑप्शन थ्री यूनिसेलुलर एंड ब्रांच्ड एंड ऑप्शन फोर मल्टीसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि जो राइजॉइड्स होते हैं इन दोनों के केस में वो कैसे होते हैं। तो अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा में इंक्लूड होते हैं लिवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स एंड मॉसेस। तो क्या होता है कि राइजॉइड्स की अगर बात करें जो कि एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो कि रिजेंबल करते हैं रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, तो वो इनमें लिवरवॉर्ट्स में और हॉर्नवॉर्ट्स के केस में कैसे होते हैं? ये होते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनमें सेप्टेशंस एब्सेंट होती हैं एंड ये होते हैं अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड। वेरैज मॉसेस में जो ये राइजॉइड्स होते हैं ये मल्टीसेलुलर होते हैं बिकॉज ऑफ द ओब्लिक सेप्टा जो कि डिवाइड करेगा सेल्स को, तो ये होते हैं मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड इन केस ऑफ मॉसेस। तो अगर हम यहाँ पे देखें हिपेटिकोसिडा, तो हिपेटिकोसिडा जो है ये एक लिवरवॉर्ट है, वेरैज एंथोसेरोटोसिडा जो है ये हॉर्नवॉर्ट है। तो इसलिए इन दोनों के केस में जो राइजॉइड्स होंगे वो होंगे यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। तो यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड हमारा दिया है ऑप्शन टू में, इसलिए वो करेक्ट हो जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन टू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल का 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।